मोर एफ 3% सॉल्यूशन जिसके अंदर मिनोक्सिडिन एंड फिनास्ट्राइड इसके अंदर है, मिनोक्सिडिन 3% इसके अंदर डाला गया और 495 रुपीस का ये पूरा सॉल्यूशन आता है जिसका 30 ml क्वांटिटी रहता है। तो इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो मिनोक्सिडिन 3% वेट बाय वॉल्यूम रहता है और फिनास्ट्राइड 0.1% वेट बाय वॉल्यूम रहता है। तो ये सॉल्यूशन जो कि यूज होता है ट्रीटमेंट करने के लिए हेयर लॉस का और हेयर ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है। तो मोर एफ 3% सॉल्यूशन जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम है इंटास फार्मास्यूटिकल का प्राइवेट लिमिटेड। तो इस सॉल्यूशन का मैं इसका यूजर्स बेनिफिट डोसेस और कैसे यूज होता है ड्रग इस कैसे काम करेगा सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का है और इसको कैसे यूज करने का है और कब तक यूज करने का और डर्मेटोलॉजिस्ट किस किस केसेस में इसको रिकमेंडेड करते तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि मोर एफ 3% सॉल्यूशंस के बारे में आपको संपूर्ण बातें समझ में आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो मोर एफ 3% सॉल्यूशन जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम है इंटास फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर दवाई की बात करें तो मिनोक्सिडिन 3% वेट बाय वॉल्यूम एंड फिनास्ट्राइड 0.1% वेट बाय वॉल्यूम रहता है। इसका MRP 495 रुपीज रहता है और 60 ml का ये लोशन आता है। तो ये सॉल्यूशंस क्या करता है कि इसके अंदर दो दवाई डाली गई है जो कि हेयर लॉस में ट्रीटमेंट करता है आदमी के अंदर और ये बढ़ा देता है ब्लड सर्कुलेशन जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स रहता है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या करता है कि रोक लेता है हेयर लॉस को और वहाँ पे ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये केवल यूज़ होता है हेयर लॉस के अंदर यूज़ होता है, न्यू हेयर ग्रोथ करने में हेल्प करता है। अगर आप इसको ज़्यादा लगा रहे हो डॉक्टर की सलाह से नहीं लगा रहे हो कंटिन्यूसली लगा रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि आपको जलन हो सकता है, इरीटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, स्किन में इरीटेशन हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है और आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, आर्म में पेन हो सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि देखने को मिल सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करने का कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर जितना जो ड्यूरेशन बोले उतना यूज़ करने का है, इसके लेबल को अच्छी तरह से पढ़ने का और इसके अंदर एक लिपलेट दिया गया वो अच्छी तरह से पढ़ने का है। तो मोर एफ 3% सॉल्यूशन काम कैसे करता है तो इसके अंदर दो दवाई डाली गई है मिनोक्सिडिन एंड फिनास्ट्राइड जो कि क्या करता है कि हेयर लॉस में ट्रीटमेंट करता है आदमी के अंदर और जो स्क्लैप के ऊपर स्मॉल पैचेस हुए तो वहाँ पे काम करता है और हेयर फॉलिकल्स के साथ ये बढ़ा देते हैं मेल हार्मोन्स को जिससे क्या होता है कि एक्सेस तो हेयर लॉस हो रहा है तो वो कम हो जाता है। मिनोक्सिडिन क्या है कि एक वैसोडाइलेटर है जो कि क्या करता है कि ब्लड विजल्स को छोड़ा करता है जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो अच्छा होता है हेयर फॉलिकल तक और ग्रोथ होता है हेयर का। और फिनास्ट्राइड क्या है कि 5-alpha रिडक्टेज इनहिबिटर है जो कि ब्लॉक कर देता है मेल के हार्मोन्स को जो कि स्क्लैप के ग्रोथ को रोकता है जिससे क्या होता है कि ये मेल के स्क्लैप का वहाँ पे ग्रोथ बढ़ जाता है। तो ये ऐसे काम करता है। तो मोर एफ 3% सॉल्यूशंस के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई डी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।